The case for change has arrived in Pakistan. Can you imagine being invisible to the world around you? No access to healthcare, education, no belonging, being a nobody, an outcast. Around the world, there are 1.1 billion people who officially don't exist because their births weren't registered. And in Pakistan alone, only a third of births are certified, meaning 5,000 children born every day are effectively invisible. Why is this the case? What does this mean to people's lives? And what can be done about it? Registering the birth of your child is standard procedure for many around the world. For parents in villages like this, though, it's something that is a lot easier said than done. Time, cost, travel, a complicated process, and even general lack of awareness all contribute towards the situation. Lack of access to education, healthcare, and voting rights are just some of the issues that face this invisible group in society. I'm here in Pakistan to show how Telenor is giving hundreds of thousands of children born every year an identity. I'm here in Bideen, Pakistan with Jeevan's family and his 5-year-old son Jeet. Jeet is the first child who has been registered through the digitized registration system in Pakistan. आप खुश हैं कि आपके बेटा और बेटी दोनों रजिस्टर्ड हैं और बेटा वो पहला शख्स है जो टेलीनॉर की ऐप के थ्रू जिसकी रजिस्ट्रेशन हुई है तो आपको इस चीज़ पे काफ़ी फ़ख्र होगा है ना तो आपकी नहीं हुई थी रजिस्ट्रेशन बड़े भी नहीं है जिंदगी किस तरह तब्दील हुई स्कूल वगैरह बच्चे वगैरह बीमार वगैरह होते हैं उधर जाते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं ठीक है उसको उसको बोलते हैं मेहरबानी करें मेरा बच्चा ठीक हो जाए तो उससे जाते हैं उससे उससे हाथ जोड़ते हैं गरीब आदमी है कुछ ना कुछ ऐसे कर लो हमारे लिए वो भी नखरे करते हैं हम तो पढ़े लिखे नहीं रहे हम तो पछता रहे हम ऐसे ऐसे बाग की मजदूरी वगैरह कर ले फिर बच्चे भी कुछ ना कुछ तालीम हासिल करें देखे भी ना तालीम देगा तो अच्छे होंगे ना सबको बोलेगा वहाँ के तालीम वगैरह है नौकरी भी मिल सकती है कुछ भी मिल सकता है बिल्कुल इसलिए हम कर रहे हैं उस बच्चे के लिए कर रहे हैं हम तो नहीं किया बच्चे वगैरह करें तो अच्छी बात है ना तो आपका कोई ख्वाब है कि बड़े होके डॉक्टर इंजीनियर बने क्या ख्वाब है चले जबरदस्त इंशाल्लाह अल्लाह पूरी करेगा ओके जी खुदा हाफिज़ अल्लाह हाफिज़ बाय 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 मेरा नाम करम अली है और मैं यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटर हूँ ये यूनियन काउंसिल का दफ्तर है अच्छा तो जीत जो है वो पहला बच्चा था जिसने डिजिटल बर्थ रजिस्ट्रेशन सिस्टम के थ्रू अपनी बर्थ रजिस्टर कराई थी उसके पेरेंट्स ने जी हाँ बिल्कुल तो कितने अरसे पहले से आपने ये काम स्टार्ट किया है यहाँ पे बर्थ रजिस्ट्रेशन का बर्थ रजिस्ट्रेशन का तकरीबन 4 महीने हो गए हैं 4 महीने हो गए और इन 4 महीनों में कितने बच्चों की जो है बर्थ रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया तकरीबन 3,000 बच्चे जो हैं लगभग 3,000 बच्चे जो हैं वो हमने रजिस्टर किए हैं ठीक है पहले तो इसका मैनुअल तरीक़ेकार था जिसको बर्थ सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती थी किसी इदारे में तो वो आता था यहाँ पे लेने के लिए मगर उसके बाद क्या हो गया गवर्नमेंट है यूनिसेफ है और टेलीनॉर पाकिस्तान के ताउन से एक प्रोजेक्ट जो है वो लॉन्च किया गया है यहाँ पे कुछ महीने पहले यूनिसेफ टेलीनॉर और गवर्नमेंट की जानिब से मोबाइल फ़ोन टेबलेट दिए गए हैं वहाँ से वो घर बैठे लोगों के डोर टू डोर दरवाजे पे जाते हैं वहाँ पे बच्चे रजिस्टर्ड करते हैं जो हमें ऑनलाइन में यहाँ पे आके मौसूल होती हैं दरख्वास्तें आई हैड अ वंडरफुल डे I went to meet Jeet's family, I went to the Union Council, well, I met such wonderful people and I think it's a great initiative that Telenor has brought to Pakistan and it's amazing how something so small, you know, it just takes 1 minute to register a birth but it can change someone's life and it has such a huge impact on the whole family.